नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज भाजपा की वर्चुअल रैली है जिसे भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। सभी सोशल मीडिया के द्वारा आप इस रैली को देख सकेंगे। बिहार भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अपने 74,000 बूथों तक भाजपा सोशल मीडिया और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से अमित शाह की बात को 74,000 बूथों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएगी। इसी में बिहार के परिवहन, सड़क और परिवहन मंत्री नंद किशोर यादव ने भी कुछ देर पहले बिहार की जनता और अपने कार्यकर्ताओं से इस रैली को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के सबसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बिहार जनसंवाद के माध्यम से बिहार के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बिहार के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आगामी 7 जून को शाम 4 बजे माननीय गृह मंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है, इस वर्चुअल रैली में आप भी भागीदार बने। अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप सब माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन सुने और यह संबोधन जहां हमारे बिहार वासियों के हित में है, देश हित में है, वहां साथ साथ कोरोना के संकट से निजात पाने का मार्ग भी हमको दिखाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, ये केवल कार्यकर्ता की रैली नहीं है, आम आदमी को भी जोड़ने का इसमें काम करिए। अधिकाधिक संख्या में लोग जुड़े, लोग सुने अमित शाह जी को, और मैं समझता हूं कि अमित शाह जी के संबोधन के बाद निश्चित रूप से जहां बिहार के विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी, वहां साथ साथ कोरोना से लड़ने की एक नई ताकत हमें पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे नंद किशोर यादव, बिहार भाजपा नेता और बिहार सरकार में केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री हैं। तो आपने इनको देखा क्या कहा इन्होंने, और पूरी ताकत बिहार भाजपा ने झोंक दी है इस रैली को सफल बनाने के लिए। आप भी देखते रहिए नेशन भारत, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।